राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित पाठों का आदर्श वाचन। प्रस्तुत है पाठ तैराकी। तैरना एक उपयोगी कला है। तैरने से व्यायाम भी होता है और मनोरंजन भी। विश्व भर में प्रतिदिन लाखों लोग सागरों, नदियों, झीलों, तालाबों और तरण तालों में तैराकी का आनंद लेते हैं। स्वच्छ जल में तैरने से शरीर में फुर्ती आती है और मन आनंदित होता है। तैरने से शरीर की सभी मांसपेशियों का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। गर्मियों में तो ठंडे पानी में तैरने का मजा ही कुछ और है। मनुष्य के मन में तैरने की इच्छा शायद मछली को देखकर पैदा हुई होगी। प्रायः सभी पशुओं एवं कुछ पक्षियों में तैरने की योग्यता जन्मजात होती है। उन्हें तैरना सीखना नहीं पड़ता। मनुष्य को तैरना सीखना पड़ता है। हाँ, एक बार इस कला को सीख लेने पर वह इसे जीवन भर नहीं भूलता। प्राचीन काल में तैरना जीवन की एक आवश्यकता थी, लेकिन अब तैराकी एक कला बन गई है। सभी देशों में मनोरंजन, व्यायाम और खेलों के क्षेत्र में तैराकी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा है। तैराकी का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ भी है। इन्हीं संस्थाओं की देखरेख में
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ओलंपिक खेलों में भी तैराकी का महत्वपूर्ण स्थान है। तैराकी की आधुनिक प्रतियोगिताएं अक्सर पक्के तरणतालों, स्विमिंग पूलों में आयोजित की जाती हैं। ये प्रतियोगिताएं कई प्रकार की होती हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रमुख हैं खुली तैराकी, फ्री स्टाइल, छाती के बल तैराकी, ब्रेस्ट स्ट्रोक, चित तैराकी, बैक स्ट्रोक और तितली की उड़ान की तरह की तैराकी, बटरफ्लाई। ये प्रतियोगिताएं 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर की दूरियों के लिए आयोजित की जाती हैं। इनके अतिरिक्त गोताखोरी, वाटर पोलो आदि की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जिनमें महिला और पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं। आइए अब हम तैरने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। पानी में तैरते समय हाथों के साथ साथ पैरों से भी शरीर को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे शरीर आगे की ओर बढ़ता है। तैरते समय हाथों और पैरों की गति में संतुलन बना रहना चाहिए। इससे हम बिना थके अधिक दूर तक तैर सकते हैं। तैराकी मनोविनोद और व्यायाम का साधन तो है ही, यह अद्भुत साहस का कार्य भी है। गोताखोरी की सहायता से पानी के नीचे खोज का कार्य भी हो रहा है। इसके लिए गोताखोरों को जल में डुबकी लगाकर बहुत नीचे जाना पड़ता है। पुराने जमाने में फारस, ईरान, जापान और पॉलिनेशिया के गोताखोर कमर में पत्थर बांध बांध कर सागर में उतरा करते थे और बड़ी फुर्ती से सागर तल से सीपियां, शंख और मोती आदि
बटोर बटोर कर वापस ऊपर आ जाया करते थे। अब एक्वालंग नामक एक ऐसे उपकरण का आविष्कार भी हो गया है जिससे गोताखोर समुद्र के गहरे जल में भी सांस ले सकता है। एक्वालंग की सहायता से समुद्र तल से मूल्यवान वस्तुएं निकालने और समुद्री जीव जंतुओं के अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। आज गहरी गोताखोरी से अतीत के रहस्यों को उद्घाटित करने के प्रयास भी हो रहे हैं। अधिक गहराई में जाने के लिए आदमी को एक विशेष यान में बैठकर जल में उतरना पड़ता है। हाल ही में एक यूनानी जहाज के अवशेष समुद्र के तल से प्राप्त हुए हैं जिनके माध्यम से हमें अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। संभव है कि मनुष्य शीघ्र ही समुद्र के कुछ और रहस्यों का पता लगा ले। आजकल तैराकी के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। साहसी तैराकों ने इंग्लिश चैनल और पाक जल डमरू मध्य को पार करने की चुनौती को भी स्वीकार किया है। भारत के मिहिर सेन इंग्लिश चैनल की इंग्लैंड से फ्रांस तक की 29 किलोमीटर तथा भारत और श्रीलंका के बीच 41 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार कर चुके हैं। सुश्री आरती साहा ने भी भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी तैरकर पार की है। आज तैराकी में कई नए खेलों का विकास हो रहा है जैसे वाटर स्कीइंग आदि। इस प्रकार तैरने से जहां मनोरंजन होता है वहां शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें तैराकी को दैनिक जीवन का अंग बना लेना चाहिए। तैराकी। अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित पाठ का आदर्श वाचन। विषय सहयोग डॉक्टर सुरेश पांडे, परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर,
वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता, ध्वन्यंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।